हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स. कुछ हिंदी टू इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस को फटाफट देख लिया जाए. लेट्स स्टार्ट. दादी कहानी सुना रही है. ग्रैंडमदर इज टेलिंग अ स्टोरी. ग्रैंडमदर इज टेलिंग अ स्टोरी. दादी कहानी सुना रही है. ग्रैंडमदर इज टेलिंग अ स्टोरी. मैं बस से स्कूल जाया करता था. मैं बस से स्कूल जाया करता था को हम बोलते हैं आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस. अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम किसी को बताते हैं तो हम बोलते हैं ना आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस. मैं इस पार्क में खेला करता था. अगर हम किसी को बताते हैं कि मैं भी कभी इस पार्क में आया करता था आई यूज़ टू कम इन दिस पार्क या मैं खेला करता था तो आई यूज़ टू प्ले इन दिस पार्क. सो मैं इस पार्क में खेला करता था. आई यूज़ टू प्ले इन दिस पार्क. हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए. वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. क्या तुम दरवाज़ा की चिटकनी बंद कर दोगे. जो चिटकनी होता है ना जो दरवाजे पे लगा रहता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉल्ट. तो अगर ये सेंटेंस हुआ क्या तुम दरवाज़ा की चिटकनी बंद कर दोगे. वुड यू बॉल्ट द डोर. वुड यू बॉल्ट द डोर. क्या तुम पौधों को पानी दे दोगे. क्या तुम पौधों को पानी दे दोगे को हम इंग्लिश में बोलते हैं वुड यू वाटर द प्लांट्स. वुड यू वाटर द प्लांट्स. मैं अपना रूम बदलना चाहूँगी. आई वुड लाइक टू चेंज माई रूम. हम यूजुअली बोलते हैं ना कि आई एम नॉट हैप्पी. मैं खुश नहीं हूँ. मैं अपना रूम अपना कमरा बदलना चाहूँगी तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नेक्स्ट टाइम से आई वुड लाइक टू चेंज माई रूम. मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटा करती थी. मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटा करती थी. अब तो नहीं डांटती है लेकिन पहले बहुत डांटती थी. मेरे पापा मुझे बहुत डांटते थे तो उसको हम बोल सकते हैं माई मदर या फादर यूज़ टू स्कोल्ड मी अलॉट. बहुत डांटा करती थी को होगा Scold me a lot. मुझे तुम्हें अच्छे पद पर देखना बहुत अच्छा लगेगा. मुझे तुम्हें अच्छे पद पर देखना बहुत अच्छा लगेगा को हम बोलते हैं I would love to see you at a good post या फिर आप position भी इसे बोल सकते हो. क्या तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे. अगर हमें किसी को अपने रिलेटिव में या अपने फ्रेंड्स में किसी को बोलना होता है कि क्या तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे या चल लोगे तो हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वुड यू कम विद मी टू द डॉक्टर. वुड यू कम विद मी टू द डॉक्टर. फिल्म शुरू होने वाली है. हम थिएटर में जाते हैं कोई मूवी को वॉच करने के लिए तो हम बोलते हैं ना कि अब चुप हो जा. जो लोग शोर मचा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि फिल्म शुरू होने वाली है तो उसको हम बोल सकते हैं द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट और द मूवी इज़ गोइंग टू स्टार्ट. दोनों ही सही हैं. द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट. मैं तुम्हारा भांडा फोड़ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ. सो भांडा फोड़ को हम बोलते हैं एक्सपोज इंग्लिश में. ये हमें मिला एक वोकैबुलरी का वर्ड. इंग्लिश का वर्ड मिला भांडा फोड़ को हो गया एक्सपोज और इसका जो सेंटेंस हो जाएगा वो होगा आई एम गोइंग टू एक्सपोज यू. मैं उसे जानता हूँ. अगर हम यूजुअली किसी से बात बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ मैं उसे जानती हूँ या जानता हूँ. सो अगर जानती हूँ तो यहाँ पे है मैं उसे जानता हूँ. आई नो हिम. आई नो हिम. मेरे चार भाई बहन हैं. अब ये मेरे चार भाई बहन को आप ये नहीं बोलोगे कि आई हैव फोर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. नहीं ऐसा नहीं बोलोगे. आप सिंपल बोलोगे आई हैव फोर सिबलिंग्स. अब सिबलिंग्स का क्या होता है कि सिबलिंग्स में आपके ब्रदर भी आ गए भाई बहन दोनों ही इंक्लूड हो गए. सो आप बोलोगे आई हैव फोर सिबलिंग्स. मैं रोज़ जिम जाता हूँ. अब रोज़ का तो हो गया डेली या एवरी डे. सो मैं रोज़ जिम जाता हूँ
को हम बोल सकते हैं आई गो टू जिम डेली, आई गो टू जिम एवरी डे, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है. क्या तुम मुझे जानते हो, अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो या जानती हो, सो आप बोल सकते हो उसको डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी. क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, अगर हम किसी से पूछते हैं कि यार तुम मुझे भूल गए, तुम्हें अब मैं याद भी नहीं हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप बोल सकते हो क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, डोंट यू रिमेंबर मी, डोंट यू रिमेंबर मी. तुम्हें क्या चाहिए, अगर हम किसी से प्यार से भी पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, या गुस्से से कभी पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरा पीछा छोड़ दो, तो उसको हम बोलते हैं व्हाट डू यू वांट. सो तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट. ट्रेन कब आती है, स्टेशन पे पहुंच के हम बोल सकते हैं ट्रेन कब आती है, या किसी से पूछ रहे हैं ट्रेन कब आती है, तो आप बोलोगे When does the train come? When does the train come? Train कब आती है? When does the train come? क्या वह मेरे बारे में बात करता है? हम किसी से बोलते हैं ना, किसी से पूछना होता है कि क्या वह मेरे बारे में बात भी करता है या करती है, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं Does he talk about me? क्या वह मेरे बारे में बात करता है? Does he talk about me? मैं दो भाषाएं जानती हूँ. अब भाषाएं का इंग्लिश होता है languages, और जानती हूँ का हो गया I know, और दो का हो गया to. So इसका हो जाएगा मैं दो भाषाएं जानती हूँ, I know two languages. मैं कल रात घर पहुँचा. कल रात का हो गया last night, और घर से हो गया home. पहुंचा का इंग्लिश हो गया reached, और मैं का हो गया I. तो मैं कल रात घर पहुंचा, I reached home last night. हम टहलने गए थे. हम से हो गया we, हम का इंग्लिश हो गया we, गए थे का हो गया, क्योंकि पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, तो ऐसी कोई घटना जो बीत चुकी है तो went, टहलने हो गया walk, और so we went for a walk. So हम टहलने गए थे, we went for a walk. मैंने तुम्हें कल रात देखा था. मैंने तुम्हें कल रात देखा था, I saw you last night. कल रात का हो गया last night, मैंने का हो गया I, और देखा का हो गया saw, और किसे देखा था, तुम्हें देखा था, तो तुम का होता है you. So I saw you last night. क्या तुम कल रात यहाँ आए थे? क्या तुम कल रात यहाँ आए थे? Did you come here last night? यहाँ का हो गया here. So did you come here last night? क्या तुम कल यहाँ आए थे? Did you come here last night? So that was it guys, and thank you so much for watching this, and I hope आप सब लोगों को आज फिर से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा. अगले वीडियो में मिलते हैं. Bye bye, love you.